हाय हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस वीडियो। ये हमारा फंक्शन सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले के अगर दो वीडियो तुम लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देख लो। पहला तो तुम छोड़ भी सकते हो, इस वीडियो के बाद भी देख सकते हो, बट दूसरा जरूर जाके देख लेना। ये जो फर्स्ट बेसिकली जो दूसरा वीडियो है वो फंक्शन का पहला एक तरीके से चैप्टर है कि व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ एटलीस्ट जाके पार्ट टू देख लो, ठीक है? फाइन, सो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि फंक्शन क्या होता है, मैंने मेथड क्या होता है, ठीक है, और मेथड को हम कैसे बना सकते हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं कि कितने तरीके से मेथड बना सकते हैं। अब मैंने तुम लोगों को ये तो बताया था कि मेथड हमारा दो तरीके का होता है, ठीक है, कौन कौन सा? पहला प्री डिफाइंड मेथड, मतलब जो पहले से डिफाइंड मेथड जावा में है, जैसे नेक्स्ट int, printer एंड ऑल दैट। दूसरा यूजर डिफाइंड मेथड, यूजर डिफाइंड मेथड मतलब वो जो मेथड जो हम बनाते हैं। तो यूजर डिफाइंड मेथड भी फर्दर चार तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। वो चार तरीके कौन कौन से हैं? पहला विद नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर, ठीक है। सेकंड विद रिटर्न टाइप, यानी रिटर्न टाइप इस बार होगा, एंड नो पैरामीटर, मतलब रिटर्न टाइप होगा बट पैरामीटर अभी भी नहीं होगा। थर्ड विद नो रिटर्न टाइप, यानी रिटर्न टाइप नहीं होगा, एंड विद पैरामीटर, मतलब पैरामीटर होगा, इस बार रिटर्न टाइप नहीं होगा बट पैरामीटर होगा। एंड फोर्थ विद रिटर्न टाइप एंड विद पैरामीटर, यानी इस बार रिटर्न टाइप भी होगा पैरामीटर भी होगा। सो फर्स्ट वाले में रिटर्न टाइप नहीं होगा ना पैरामीटर होगा, सेकंड में रिटर्न टाइप होगा बट पैरामीटर नहीं होगा, थर्ड में रिटर्न टाइप नहीं होगा बट पैरामीटर होगा, फोर्थ में दोनों रिटर्न टाइप पैरामीटर दोनों होगा, ठीक है। सो अब तक जो हमने पहले वीडियो में जो हमने मेथड बनाया था वो किस टाइप का था? फर्स्ट टाइप का था। देखो ये जो हमने मेथड बनाया है ये कौन सा टाइप है? फर्स्ट टाइप। कैसे? क्योंकि इसने देखो पैरेंथेसिस के बीच में पैरामीटर है। अगर सिंटेक्स याद करो जो मैंने मेथड का सिंटेक्स बताया था, क्या था मेथड का सिंटेक्स? कि सबसे पहले हमारा एक्सेस स्पेसिफायर जिसकी जगह पब्लिक लिखेंगे, देन स्टैटिक कीवर्ड जो मैंने बोला था अभी यूज़ नहीं करेंगे, फिर रिटर्न टाइप जो हमने वर्ड लिखा है, फिर मेथड नेम, फिर पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर, और फिर मेथड के नीचे मेथड का बॉडी। पैरामीटर मैंने बोला था हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसमें देखो पैरेंथेसिस के बीच में कुछ भी नहीं है, पैरामीटर नहीं है। और रिटर्न टाइप की जगह क्या लिखा हमने? वॉइड, मतलब मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो ये कौन सा टाइप हो गया? नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, मतलब ना ही ये मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है ना ही इसका कुछ पैरामीटर है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का फंक्शन हो गया जो इसके ऊपर हमने बनाया है, जो इसके ठीक ऊपर हमने मेथड बनाया है उसको भी मैं शो करता हूं तुम लोगों को। ये वाला भी फर्स्ट टाइप का ही है, ये जो एड नम मेथड है ये भी हमारा फर्स्ट टाइप का है। कैसे है फर्स्ट टाइप का? क्योंकि इसमें भी देखो पैरामीटर है क्या? कुछ नहीं है, पैरेंथेसिस खाली है, पैरेंथेसिस के बीच में कुछ नहीं है, तो नो पैरामीटर। रिटर्न कर रहा है कुछ? वर्ड लिखा है रिटर्न टाइप की जगह, यानी कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा है, तो नो रिटर्न टाइप, ठीक है। सो पहला तो क्लियर हो गया ना, पहला ऑलरेडी हम बना चुके हैं पिछले ही वीडियो में। अब हम देखने जा रहे हैं दूसरे टाइप का मेथड। दूसरा टाइप क्या था? विद रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर, मतलब अब रिटर्न करेगा हमारा मेथड जो है वो रिटर्न करेगा, ठीक है, रिटर्न टाइप होगा यहां पे। अगर ये नंबर रिटर्न किया तो int होगा, पॉइंट वाला नंबर रिटर्न किया तो डबल होगा, रिटर्न टाइप होगा बट पैरामीटर नहीं होगा। तो चलो अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इस कंसेप्ट को जो हमने पिछले वीडियो में देखा था एक बार जल्दी से, पूरा नहीं बट एक छोटा सा उसमें से कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हम रिवाइज करने वाले हैं। तो जो हमारा ये मेथड है एग्जीक्यूशन कैसे होता है इसको एक बार और समझ लो, ठीक है। मैंने हालांकि पिछले वीडियो में बताया था बट फिर भी अगर तुम्हें ना समझ में आया हो तो फिर से एक बार देख लो कि यहाँ पे पूरा हो क्या रहा है। सो मैं कैसे कॉल करूँगा? ओ बी डॉट, मेथड का नाम क्या है? एड नम, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम को सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन करेगा? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा कंट्रोल। कंट्रोल कौन है? तुम कंट्रोल को समझ लो, तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम है, ठीक है, यही हमारे इस कंप्यूटर प्रोग्राम को रीड करके एग्जीक्यूट करता है। कौन काम करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है, क्लियर हुआ।
तो अब कंट्रोल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना कहां से स्टार्ट करेगा? कंट्रोल जब प्रोग्राम में एंटर करेगा तो खोजेगा मेन मेथड कहां पे है, मेन से ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, यानी यहां से लाइन नंबर 18 से, ठीक है, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा लाइन नंबर 18, फिर कहां जाएगा लाइन नंबर 19, फिर लाइन नंबर 20। अब लाइन नंबर 20 में क्या हो रहा है, मैंने बताया था कि कंट्रोल पहले असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो लिखा है न्यू कैल्क उसको रीड करेगा। तो न्यू कैल्क का मतलब क्या, यानी हम कंट्रोल को बोल रहे हैं कि ये जो कैल्क क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी ऑब्जेक्ट का मतलब सिंपल ये समझ लो कि हमारा कंट्रोल क्या करेगा, जाएगा और इस क्लास का एक कॉपी क्रिएट कर देगा, ठीक है, इस क्लास का एक कॉपी क्रिएट कर देगा, कहां पे, कंप्यूटर की मेमोरी पे। बट अभी तुम्हें नहीं जानना है, अभी बस जान लो इस पूरे क्लास का एक कॉपी क्रिएट कर देगा और उस कॉपी को कहां स्टोर कर देगा, ओबी के अंदर। भाई असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब यही तो होता है कि राइट हैंड साइड में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ उसको लेफ्ट हैंड साइड वाले में स्टोर कर दो। तो राइट हैंड साइड में न्यू कैल्क लिखा है तो यानी इस क्लास का कैल्क क्लास का कॉपी क्रिएट किया और स्टोर किस में कर देगा, ओबी, लेफ्ट हैंड साइड वाले में, ठीक है। यानी जब हमारे इस लाइन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तब तक क्या क्या हो गया रहेगा, हमारे इस क्लास का एक कॉपी क्रिएट हो गया होगा और वो कॉपी किस में स्टोर हो गया होगा, ओबी के अंदर। यानी इस क्लास में जितनी चीजें हैं, अभी तो एक ही चीज है इस क्लास में, हमारा मेथड एड नम, वो कहां पे है, ओबी के अंदर भी है, ठीक है, क्लियर हो गया, कंट्रोल इतना काम कर दिया। फिर अब कंट्रोल आगे बढ़ेगा इस लाइन पे, तो इस लाइन में हम कंट्रोल को क्या बोल रहे हैं कि ओबी के अंदर जाओ और ओबी के अंदर जाके किसको एग्जीक्यूट करो, एड नम को। तो ओबी कहां है, ए ओबी है। अब इसके अंदर तो मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, तो एक मिनट के लिए अज्यूम कर लो कि ये जो तुम्हारा क्लास है, ये जो तुम्हारा कैल्क क्लास है, यही ओबी है, क्योंकि भाई ओबी इसी का तो कॉपी है ना, ओबी के अंदर जो भी डेटा स्टोर है इसी क्लास का तो कॉपी है ना, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, तो इसी को मान लो एक मिनट के लिए ओबी है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा कंट्रोल रीड करेगा ओबी डॉट एड नम, तो इसको रीड करते ही तुरंत चला जाएगा ओबी के अंदर, और ओबी के अंदर किसको जाके एग्जीक्यूट करेगा, देखो ओबी डॉट एड नम लिखा है ना, एड नम यानी लाइन नंबर 4 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, फिर लाइन नंबर 4, देन 5, 6, 7, फिर 8, लाइन नंबर 8 को रीड करेगा तो मैसेज दे देगा, एंटर द फर्स्ट नंबर, फिर x असाइन विथ sc डॉट नेक्स्ट int इनपुट मांगेगा, तुमने सपोज 5 दिया, फिर एंटर द सेकेंड नंबर, तो एंटर द सेकेंड नंबर, फिर y असाइन विथ sc डॉट नेक्स्ट int इनपुट मांगेगा, सपोज तुमने 10 दिया, फिर 5 + 10 r में 15 स्टोर हो जाएगा, फिर प्रिंट कर देगा सम इक्वल्स टू 15। फिर यहां देखो लाइन नंबर 14 पे एड नम मेथड खत्म, मेथड खत्म होते ही कंट्रोल वापस आ गया जहां से गया था वहीं पे, कहां से गया था, लाइन नंबर 21 से। अब लाइन नंबर 21 के आगे बढ़ेगा मेन में, तो लाइन नंबर 22 कुछ भी नहीं है, लाइन नंबर 22 मेन मेथड खत्म, प्रोग्राम खत्म, ठीक है, आ गया समझ में। तो अब यहां पे देखो इस लाइन को रीड करने के बाद ध्यान से समझो, यहां पे जब हमारे कंट्रोल ने इस लाइन को रीड किया ओबी डॉट एड नम, तो यहां से चल के कहां गया, ओबी के अंदर, और जब इस फंक्शन को पूरा एग्जीक्यूशन फंक्शन का खत्म हो गया तो कंट्रोल वापस आया यहां पे, और उधर से आते टाइम साथ में कुछ डेटा लेके नहीं आया, खाली हाथ आया, क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न किया नहीं, कंट्रोल को कुछ भी नहीं दिया कि लाओ ये डेटा लेके जाओ साथ में मेन में, ठीक है, आ गया समझ में। बट अब जो हम मेथड बनाना चाहते हैं, जो सेकंड टाइप का मेथड है, उसमें हमारा मेथड रिटर्न करेगा, यानी जब कंट्रोल लौटेगा वापस यहां से, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करके कंट्रोल वापस मेन में लौटेगा जहां से गया था, तो कुछ डेटा साथ में लेके आएगा, हमारा मेथड डेटा रिटर्न करेगा। तो जो सेकंड टाइप का मेथड है हमारा, विद रिटर्न टाइप इन नो पैरामीटर, क्या है सेकंड टाइप का, विद रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। तो इसको समझने के लिए हम एक मेथड बनाते हैं, मेथड क्या है हमारा, हमारा मेथड क्या काम करेगा, सो क्वेश्चन है, डिफाइन अ मेथड टू डू द फॉलोइंग। क्या क्या करना है, पहला काम, रीड टू नंबर्स, हमारा मेथड दो नंबर रीड करेगा, इनपुट लेगा, सेकंड फाइंड सम फाइंड करेगा दोनों नंबर का, थर्ड रिटर्न द रिजल्ट,
रिटर्न द रिजल्ट, मतलब अब हमारा मेथड रिजल्ट को प्रिंट नहीं करेगा, रिटर्न कर देगा किसको, कॉलिंग फंक्शन को। कॉलिंग फंक्शन कौन होता है, जो फंक्शन को कॉल करता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया है जैसे एड नम मेथड को कौन कॉल कर रहा है, यहाँ पे मेन मेथड। तो मेन मेथड क्या हुआ, कॉलिंग मेथड। ठीक है, तो हमारे मेथड तीन काम करेगा, तो चलो करते हैं। तो फाइन, तो ऊपर आते हैं हम, प्रोग्राम में हटा नहीं रहा हूँ इसी प्रोग्राम में, या फिर चलो ठीक है मैं इसको हटा ही देता हूँ, मेन के अंदर भी मैं हटा दे रहा हूँ जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये मेथड मैं पूरा हटा देता हूँ। ठीक है, फिर से मैं करता हूँ, और नीचे से मैं मेन क्लास भी हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि तुम्हें पूरा समझ में आए। तो हमने क्लास बना लिया कैल्क, अब इसके अंदर मेथड बनाएंगे। तो मेथड का सिंटेक्स याद है ना, सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर जिसकी जगह हम पब्लिक लिखेंगे, फिर स्टैटिक मैंने बताया था, बट स्टैटिक अभी हम यूज नहीं करेंगे, मैंने बताया था। अब हमारा मेथड जो है दो नंबर इनपुट लेगा, तो दो नंबर किस टाइप का नंबर इनपुट लेगा, मान लो इंटीजर ले रहा है, तो उन दोनों का सम रिटर्न करना है ना, तो दो इंटीजर का सम भी इंटीजर होगा, तो हमारा मेथड यानी इंटीजर रिटर्न करने वाला है। तो रिटर्न टाइप की जगह हम क्या लिख देंगे, इंटीजर का टाइप क्या होता है, INT, राइट। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो यहां क्या लिखते, void। अगर पॉइंट वाला नंबर रिटर्न करता तो यहां क्या लिखते, डबल। ठीक है, अगर स्ट्रिंग रिटर्न करता तो यहां क्या लिखते हैं हम, स्ट्रिंग। अभी हम इंटीजर रिटर्न करवाने वाले हैं, तो यहां क्या लिखेंगे, INT। ओके, फिर मेथड का नाम, तो मैं देता हूं एड नम, फिर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, अंदर पैरामीटर कुछ भी नहीं होगा, खाली रहेगा। अभी इसके अंदर आते हैं, अब इनपुट लेना है ना, तो स्कैनर और लाइन लिखनी होगी, सो स्कैनर SC असाइन विद न्यू स्कैनर, और उसके बाद पैरेंथेसिस में सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब हमें वेरिएबल चाहिए, तो मैं वेरिएबल ले लेता हूं A, B, R। ठीक है, एक मैसेज देते हैं, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंटर द फर्स्ट नंबर। ओके, और फिर ए में इनपुट ले लेते हैं, तो ए असाइन विथ SC डॉट नेक्स्ट INT। अब हमें बी में भी इनपुट लेना है, तो एक और मैसेज प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंटर द सेकेंड नंबर। फिर बी में इनपुट कैसे लेंगे, SC डॉट नेक्स्ट INT। अब दोनों को ऐड करना है, तो क्या लिखेंगे, R असाइन विथ A प्लस B। अब रिटर्न करना है रिजल्ट को, तो कैसे हमारा मेथड कैसे रिजल्ट को रिटर्न करेगा, तो उसके लिए जावा में कीवर्ड है रिटर्न, तो हम लिखेंगे रिटर्न RETURN। और क्या रिटर्न करना है, मतलब इस लाइन में हम कंट्रोल को, जो कंट्रोल ही मेन से आया था ना इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने, याद है ना, तो इस लाइन में हम कंट्रोल को बोल रहे हैं रिटर्न वापस जाओ मेन में, बट साथ में क्या लेके जाओ, आर लेके जाओ, आर की जो भी वैल्यू है। तो अब देखो होगा क्या ना, जब हमारा कंट्रोल इस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, तो जैसे इस कीवर्ड को देखेगा रिटर्न, तुरंत यहां से वापस लौट जाएगा जहां से आया था। इस लाइन के नीचे अगर कुछ लिखा भी है इस मेथड के अंदर, तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, रिटर्न एक जंप स्टेटमेंट है, इसको रीड करते ही कंट्रोल वापस लौट जाएगा, राइट। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, रिटर्न आर मतलब हम कंट्रोल को बोल रहे हैं जाओ वापस, और क्या लेके जाओ, आर की वैल्यू लेके जाओ। तो ये हमारा मेथड हो गया। देखो हमने तीनों काम कर दिया, हमने दो नंबर इनपुट लिया, फिर सम फाइंड किया, फिर रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। चलो अब मेन बनाते हैं, तो मेन के बिना प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो मेन तो बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए एक और क्लास बना लेते हैं। सो क्लास, मेन क्लास का नाम वही होता है, मतलब जिस क्लास में मेन मेथड होगा उस क्लास का नाम वही होगा जो फाइल का नाम है। तो फाइल का नाम क्या है, देखो ABC है ना, तो यहाँ पे इस क्लास का नाम ABC, क्योंकि इसके अंदर हम मेन मेथड देने वाले हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मेन मेथड हम बनाते हैं, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारा मेन मेथड हो जाएगा। ये कुछ लोग स्ट्रिंग ऑक्स के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, बट तुम पहले भी लगा सकते हो स्ट्रिंग के बाद, कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ लोग स्ट्रिंग AR भी लिखते हैं, तो वो भी सही है। ठीक है, अब इसमें हम, अब मेन मेथड में ऑलरेडी ये सब बता चुका हूं कि अगर तुम्हें मेन मेथड में इस क्लास के किसी भी मेथड को कॉल करना है, जैसे एड नम को, तो इस क्लास का क्या क्रिएट करना पड़ेगा इस मेथड में, ऑब्जेक्ट।
और अभी नहीं पता ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहला वीडियो तुमने नहीं देखा है, तो अभी सिंपल ये समझ लो कि हम मेन मेथड में क्या करेंगे, इस क्लास का एक कॉपी क्रिएट कर देंगे, फोटो कॉपी समझ लो, ठीक है। अभी मैं आगे इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो कॉपी कैसे क्रिएट करेंगे, तो किस क्लास का कॉपी क्रिएट करना है, कैल्क क्लास का। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कैल्क CALC और फिर कोई भी एक वेरिएबल, मैं ले लेता हूं OBJ, देन असाइन विद न्यू, फिर से उस क्लास का नाम, तो CALC। हालांकि ये कंस्ट्रक्टर है बट ये आगे बताऊंगा। तो जैसे ही हमारा कंट्रोल इस लाइन को रीड करेगा, वो क्या करेगा, इस कैल्क क्लास का एक कॉपी, बिल्कुल जितनी चीजें सारी चीजें होंगी समझ लो फोटो कॉपी, और उसको किस में क्रिएट स्टोर कर देगा, OBJ में, ठीक है। अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो हमारा पूरा का पूरा एक क्लास कहां पे आ गया, OBJ के अंदर। तो अब मान लो हमें दो नंबर ऐड करना है, तो उसके लिए हमें ऐड नम को कॉल करना पड़ेगा। तो ऐड नम कहां पे है, मेन के अंदर, मेन मेथड में ऐड नम कहां पे है, OBJ के अंदर। तो हम लिखेंगे OBJ.addNum, हो गया। अब देखो यहां पे क्या होगा, अभी बाकी है थोड़ा सा, रुक जाना, भागना मत। सो अब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कंट्रोल एंटर किया प्रोग्राम में, कहां पे एंटर करेगा, मेन में लाइन नंबर 18, फिर लाइन नंबर 19, लाइन नंबर 20 पे जाएगा, तो पहले असाइनमेंट ऑपरेटर के इस साइड वाला एग्जीक्यूट करेगा। तो न्यू कीवर्ड क्या करेगा, इस कैल्क क्लास का एक कॉपी क्रिएट करेगा और उसको किस में स्टोर कर देगा, OBJ में, ठीक है। तो अभी एक मिनट के लिए तुम क्या करोगे, कई बार बता चुका हूं, ये जो ऊपर क्लास है हमारा, इसी को OBJ मान लोगे, क्योंकि नहीं तो फिर मुझे दूसरी जगह OBJ बनाना पड़ेगा, इसी को OBJ मान लो, ठीक है। फिर जब कंप्यूटर इस लाइन को रीड करेगा OBJ.addNum, तो OBJ को रीड करते ही चला जाएगा OBJ के अंदर, और जाके किसको एग्जीक्यूट करेगा, addNum को यहाँ से। तो फिर स्कैनर INTABR, तो system.out.println, एंटर द फर्स्ट नंबर, तो मैसेज दे देगा एंटर द फर्स्ट नंबर। फिर ASIGN विथ SC.NEXTINE इनपुट, सपोज यूजर ने 12 दिया, फिर एंटर द सेकेंड नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर, तो फिर BSIGN.NEXTINE, मान लो तुमने 8 दिया, तो फिर R में कितना आ जाएगा, 12 + 8 = 20। अब रिटर्न R, अबे देखो ये इंपॉर्टेंट है, अब जैसे ही हमारा कंट्रोल अगले लाइन में देखेगा रिटर्न, समझ जाएगा मुझे वापस जाना है, बट क्या लेके जाना है, R, R में कितना है, 20, तो कंट्रोल तुरंत वापस आ जाएगा। बट इस बार खाली हाथ नहीं आया, जब रिटर्न आया तो क्या वैल्यू लेके आया, 20, ठीक है। तो यानी इस लाइन के बदले जब कंट्रोल वापस लौट के आया तो क्या वैल्यू लेके आया है, 20। तो इस 20 को कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना भाई, तुम्हें जो भी इस 20 का यूज करना हो, अगर तुम्हें इस 20 को सिंपल प्रिंट करना है तो क्या करो, 20 इंटीजर है ना, तो इस लाइन को इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लो, INTX, कोई भी वेरिएबल, XYZ कुछ भी ले सकते हो। अब देखो क्या होगा, इतना तो पता है ना, सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, तो मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा हमारा, जब कंप्यूटर इस लाइन पे पहुंचेगा तो पहले असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड वाला एग्जीक्यूट होगा, OBJ.addNum, तो OBJ में चला जाएगा, हमारे मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। सपोज ए में 5 दिया तुमने और बी में 4 दिया, तो आर में कितना आ गया, 9, तो रिटर्न आर, कंप्यूटर तुरंत वापस यहां पे आएगा, क्या लेके आया, 9। अब इसके बदले क्या वैल्यू आ गई है, 9, तो ये 9 कहां स्टोर हो जाएगा, एक्स में, आया समझ में। तो इस OBJ.addNum से जो भी वैल्यू रिटर्न आएगी एक्स में स्टोर हो जाएगी। अब तुम्हें प्रिंट अगर करना है उसको तो क्या करोगे, सिंपल system.out.println एक मैसेज दे दो, सम इक्वल्स और यहां पे प्लस तुम्हारा एक्स, आया समझ में। अब देखो तुम पिछला प्रोग्राम जाके पिछले वीडियो में देखोगे, या इस वीडियो में भी मैंने जो शुरू में बताया था जो फर्स्ट टाइप का था, तो फर्स्ट टाइप का क्या था हमारा, नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। तो उसमें हम ऐसे जब फंक्शन को कॉल कर रहे थे तो किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहे थे, क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन कुछ डेटा रिटर्न नहीं कर रहा था, बट अभी तो रिटर्न कर रहा है ना, तो जब इसके बदले कुछ डेटा आएगा तो किसी वेरिएबल में तो स्टोर करना पड़ेगा। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। बट एक और तरीका है, तुम ऐसे अगर किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करना चाहते हो, ऐसे वेरिएबल में स्टोर, तुम इस लाइन को कमेंट कर दो, एक शॉर्टकट भी है, ठीक है, वेरिएबल में स्टोर ना करके, मान लो तुम्हें सिर्फ प्रिंट करना है तो सीधे तुम यहां पे कॉल कर लो OBJ.addNum, तुम सिर्फ सीधे यहां पे कॉल कर लो हमारे मेथड को, ठीक है। अब क्या होगा, तो पहले हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा,
फिर जब कंप्यूटर इस लाइन पे पहुंचेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो अब देखो पैरेंथिसिस के अंदर जो भी लिखा रहता है ना, अगर फंक्शन कॉल कहीं पे है तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। तो यहां पे फंक्शन कॉल हो रहा है ओबीजे डॉट एड नम, तो इसको रीड करते ही कंप्यूटर तुरंत चला जाएगा ओबीजे के अंदर, एड नम को एग्जीक्यूट करेगा। मान लो ए में तुमने 5 दिया, बी में 2 दिया, तो आर में 7 आ गया, रिटर्न आर। अब कंप्यूटर तुरंत यहां से 7 लेके वापस यहां पे आएगा, तो इसके बदले कितना आ गया 7, तो अब प्रिंट कर देगा सम इक्वल्स टू जो डबल कोटेशन में लिखा है फिर बगल में 7, फिर आगे बढ़ेगा, मेन खत्म, प्रोग्राम खत्म। सो आई होप सेकेंड टाइप का फंक्शन तुम लोग को क्लियर हो गया कि जो है हमारा नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर इफ फंक्शन कैसे। जस्ट वन मिनट, इसको मुझे हटा लेने दो, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। कभी कभी मैं राइटिंग पैड थोड़ा परेशान कर देता है। क्या हुआ भाई इसको, चलो आई डोंट नो इसको क्या परेशानी है, बट हाँ, सो सेकेंड टाइप का हमारा फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। इसमें हमारा रिटर्न टाइप है देखो int और पैरामीटर कुछ नहीं है। तो सेकेंड टाइप का फंक्शन क्लियर हो गया कैसे बनाते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे थर्ड टाइप का फंक्शन। कौन सा है थर्ड टाइप का फंक्शन? विद नो रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप नहीं होगा पहले की तरफ, एंड विद पैरामीटर, बट पैरामीटर होगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में। थैंक यू।